सुबह से 4 बजे से ऊपर टाइम हो गया और भाई कॉफ़ी बना रहे हैं। टेंट पैक कर रहा है एक बंदा, ग्लव्स अपना अपना सामान पैक कर रहे हैं। हमें जाना होगा ऊपर, उधर कहीं हो वहाँ पे। तो अभी रेडी हैं सब लोग, कॉफ़ी पी रहे हैं एंड प्लीज लाइक एंड अभी और रिकॉर्ड कर रहे हैं सब कुछ। सब सामान रेडी है। तो आज मैंने सिर्फ एक ही बैग बनाया, जो मेरा स्लीपिंग मैट है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ताकि एक ही बैग हो जाए, हवा के कारण इशू ना हो पास वगैरह पे। सारा सामान इसे अभी बस थोड़ा सा रह गया, बस डन है, ऑलमोस्ट चलने वाले हैं। कौन सा, क्या नाम है इस जगह का? तो हम खुद सरांग से पास क्रॉस करेंगे, तो अगली जगह जहाँ जानी है वो बताऊँगा, मेरे को भी नहीं पता, मैं भूल गया ना उसका। एक हल करा दे वे हो पीरा, ओदे नाल गल करा दे वे हो पीरा, एक हल करा दे वे हो पीरा, ओदे नाल गल करा दे वे। आरों भाई हेल्प कर रहे हैं सबकी, क्रीम बांट रहे हैं, फ्रूट क्रीम, जो कि हरिभंत सिंह जी भी लगा चुके हैं, मैंने भी लगाई है। हाँ जी, और ये देखो ये बंदे भी लगे हुए हैं, वॉकी टॉकी चार्ज हो रहा है, एक बंदा आगे पीछे। मुझे लगता है इस बार मुझे वॉकी टॉकी रखना पड़ेगा पीछे वाला। सनशाइन आ चुकी है वहाँ पे, वहाँ पे भी बस थोड़ी देर में चलने वाले हैं। अरुण भाई हेल्प कर रहे हैं हरिभंत सिंह जी की, जो कि फेविक्विक लाना भूल गए। फेविक्विक भाई साहब कोई भी नहीं लाया हमने यहाँ पे, सभी बंदों से पूछा हमने, यहाँ पे कोई फेविक्विक नहीं लाया, समझ रहे हो? क्योंकि अब इस जूते को हम पक्का करा के आए थे, मुझे से 100 रुपया देखे, 100 रुपया। हाँ जी, तो करवाया तो था, अब ठीक, अब फिर इसमें इशू हो गया, इशू हो गया, अब 100 रुपये खर्च दिया इस पर। बोला कि भाई ऊपर नीचे से कर दियो सारा, बस सेक्टर 6 पंचकूला का मुची है वो, अगर कोई नहीं नहीं ऐसे हम नहीं बताना किसी को, टी कर देंगे यहाँ पे, टी वो मुची सेक्टर टी का है, पंचकूला सेक्टर टी का है। कौन सा सेक्टर का? पंचकूला सेक्टर 6 का है। ओ हेलो, फिर ये मुची सेक्टर पंचकूला सेक्टर टी का है, तो कोई भी अगर पंचकूला सेक्टर टी से ठीक कराता है तो सेक्टर टी वाले बंदे से ना कराए। चलो जी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, इसने हमारी टी कर दी है। कोई फुटेज ना हो अगर रिकॉर्ड करवाऊँ तो समझ लेना कि ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा चढ़ाई है, ऐसी चीज़ें। सो हम चल पड़े यहाँ से, एज ऑलवेज माई पार्टनर्स मिस्टर तेजिंदर पाल सिंह। कुछ कहना चाहोगे पास चढ़ने से पहले? पास चढ़ के कह लूँगा, तो मुश्किल बहुत मुश्किल है। चलो जी, और सामने पास लेफ्ट साइड में। तो 6 बजे है जी, हमने यहाँ से चढ़ाई शुरू कर ली है। जब पहुँच जाएंगे ऊपर देखते हैं कितना टाइम लग जाता है, सांस फूलती हैं ज़्यादा और घुटने का दर्द, दोनों मिलके देखते हैं कितनी देर में बचाते हैं। काफ़ी रास्ते चढ़ने के, जो सामने है वो चढ़ रहा हूँ मैं। काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे, और लेफ्ट नी में बहुत पंगा हो गया मेरी, तो अभी लंगड़ा के चलना पड़ रहा थोड़ा। यस, ऑक्सीजन की तो कमी है बट चल, इट्स गुड। थोड़ी चढ़ाई है स्लांट, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पीछे, और यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि ऊपर घोड़े जा रहे हैं तो पत्थर गिरने का खतरा है, तो स्लो स्लो जा रहे हैं।
पत्थर को देखते हुए। तो 6 बजे शुरू किया था हमने, 6:42 हो गए, मुझे लगता है 1.4 तक आ गए हम, 1 तक जाना है, 0.4 तो हो गया होगा, बहुत नीचे हो, देखो कितना नीचे था वो। फॉर द बेस्ट के चलते जाए, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गए, नीचे देखने में डर लग रहा है, तो मैं नीचे देख ही नहीं रहा, और वहाँ जाना ऊपर जहाँ से वो कुछ आपको दिख रहा होगा जा रहे हुए। तो एक जगह तक क्लाइंब होने के बाद यहाँ पे जो ग्लेशियर दिख रहा था छोटा सा, वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चढ़ाई नहीं है, थोड़ा सा ही है बस, और ये ग्लेशियर क्रॉस करके वो सामने वाली पहाड़ी पे जाना, छोटी बड़ी वाली पे, उसके बाद एक हाइट पे पहुँच जाएंगे, उसके बाद देखते ऊपर जाके है क्या। ऊपर बहुत ऊंचा है, नीचे बहुत गहरा है, ओह बहुत गंदा है, पास क्रॉस करना, हाय काफी टॉप पे आ गया हूँ, जो नीचे से टॉप दिख रहा था ऑलमोस्ट वहाँ तक आ गया हूँ। अभी इसके पीछे क्या मिस्ट्री है करेंगे वो भी सॉल्व, पहले ऊपर वहाँ पे ये पत्थर के पास बैठ के रेस्ट और पानी कुछ खा लेते हैं। तो जो पहाड़ वाला रास्ता है ये क्रॉस कर लिया, अब हमें वहाँ पे उसे एक झलक देखनी थी के पास है तो है कहाँ पे। आई थिंक ओह ये पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में एक स्पॉट है, वो पास है, हाँ पास तो वही है, पर वो भी कम से कम भी 1-1.5 घंटा दूर है। अभी यहाँ पे रेस्ट लेंगे अच्छी सी जगह देख के, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वन गो में कुछ नहीं होता, रुक रुक के सब कुछ करना पड़ रहा है। आ जाओ। मिस्टर तेजिंदर पाल हैं और हरिपन सिंह बहुत ही आराम से आ रहे हैं, वो भी ग्लेशियर क्रॉस किया उन्होंने जो मैंने किया था थोड़ी देर पहले। धूप आ गई है अच्छी खासी और यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स भी लगा लिए, और धीरे धीरे आगे की तरफ चल पड़े। यहाँ पे चलना थोड़ा है अच्छा है, दिक्कत बस थोड़ा सा पैर नीचे को दबता है, काफ़ी वो वाला चढ़ाई चढ़ रहे हैं जो सामने दिखाई थी आपको, और कोई दिक्कत आ जाए ना कैमरे में जैसी आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। पास चढ़ रहा हूँ एक 16,000 फीट तक, दिक्कतें तो आती हैं, कई बार मूड भी नहीं होता कुछ बोलने का कुछ करने का, स्टिल जो नीचे से 3 पड़ाव दिख रहे थे बर्फ के जहाँ से लास्ट टाइम बताया था, तो पहला पड़ाव यहाँ तक है मिस्टर कपूर ने जो
दूसरे पड़ाव पे खड़े हैं। पत्थर गिरने की आवाज आई थी तो इधर को जाते थोड़ा। ये पहला पड़ाव यहाँ तक। जो पड़ाव आपको दिखाया था वही पड़ाव क्रॉस हो गए और ये अभी एक और पड़ाव है सामने, देख रहे हो आप पत्थर पत्थर वाला लैफ बिल्कुल सामने। और जो क्रैम्पोन्स हैं उनकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, अगर ज़्यादा स्नो स्लाइड होगी मतलब ऐसी स्नो आएगी जहाँ पे स्लाइड हो रहे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, फिर वहाँ पे पहनने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर बोर बिल्कुल पीछे। तो जहाँ पे मेरा घर है, मेरे घर के आगे बिल्कुल रोड है तो बहुत ट्रैफिक है, तो दिन रात सुबह शाम वहाँ पे हॉर्न की, बस के सिलेंसर की, बुलेट की सिलेंसर की तिक्खी आवाज़, कोई शोर मचा रहा है कोई कुछ, ये मतलब 24 घंटे चलते ही रहते हैं। तो मुझे तो आदत हो गई है बहुत सालों से अभी शोर में सोने की। तो जो इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं पहाड़ों में बैठा हूँ ये देखो, और इन पहाड़ों में इतना ज़्यादा सुन है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, कि जो पानी की एक एक बूंद भी गिर रही है ना यहाँ पिंघल के तो उसकी भी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, ऊपर पानी का झरना छोटा सा उसकी आवाज़ आ रही है बस, और कुछ नहीं, कोई हवा नहीं कोई कुछ नहीं, अगर कोई पंछी बैठा है तो उसकी आवाज़ आ रही है बस, ये चीज़ें। तो यही हमारा एक मोटिव होता है, ये हमारे एक अंदर जो यहाँ पे है ना ये चुप्पी ये सुन, ये हमारे अंदर बस जाता है यहाँ पे पहाड़ों में आके, तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग चीज़ होती है। अभी तो वैसे हमारा बहुत ज़ोर लग रहा है क्योंकि पास अभी आया नहीं है, स्टिल हमें ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, तभी हम होता है कि माउंटेन्स पे आते हैं। मुझे पता होता है कि कुछ ना कुछ जान जाएगी, सांस चढ़ेगी, बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ ही जाते हैं। और जा रहे मिस्टर कपूर, तो दो पड़ाव निकल गए, लंबा है ये पास काफ़ी, बर्फ़ के ऊपर ही काफ़ी लंबा है, थोड़ा दूर रह गया बस आधा किलोमीटर आई थिंक। पास की ओर प्रस्थान करता हुआ, बहुत चढ़ाई थी ज़्यादा, बर्फ कुछ ज़्यादा ही है इसमें पास में, अजीब सी स्नो फालतू की। बस ऑलमोस्ट पहुँच गए, पास पिन बाबा पास, बाबा वैली से गुजरते हुए पिन वैली, फर्स्ट व्यू देख लो, बहुत स्नो है। ओह जबरदस्त डिक्लाइन है यहाँ से,
हे भगवान, ओ शिट, खतरनाक की लाइन है इधर से स्लाइड भी है। ये कच्चे लोग आ रहे हैं, इधर चलना है। अरे एक स्लाइड करवाना है किते लेक चले चले यार। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, हमारे साथी पीछे हैं अभी, जो दिक्कत है वो फोटो खिंचवानी थी हमने पाँच जने एक, ठंड भी ज़्यादा मिस्टेक बहुत बहुत ठंड ज़्यादा, शायद वो नीचे नहीं जाना पड़े। ये पिन बाबा पास है जिसका मेन पॉइंट है, ये फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि स्पीति वैली भी है पिछले बैक साइड में, और ये पिन बाबा वैली है उधर स्पीति वैली है, तो ये सब लोग। और जो प्रॉब्लम है मिस्टर पाल, प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉर्मल सिचुएशन कि मिस्टर पाल और हरपंत सिंह जी नीचे गए हैं, नीचे हैं मतलब ही आ रहे हैं धीरे धीरे। सो मेरी जो लेफ्ट लेग है, मैं काफ़ी देर से बता भी रहा था कि वो ना फ्रीज हो जा रही है, यहाँ ठंड ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, और कुछ 16,500 फीट पे जो भी है जिसकी हाइट है ये, तो इसलिए मैंने खुद के लिए डिसीज़न लिया कि मैं अब नीचे की तरफ जाऊँगा। अभी देखता हूँ बैठ के, अगर ठंड कम लगती है ठीक है, नहीं तो मैं अकेला नीचे की तरफ जाने लगा हूँ, स्लो स्लो चलता रहूँगा ताकि थोड़ी ठंड कम लगे, और ये जो टांग है स्लो स्लो करके मैं नीचे उतरता रहूँ। ट्रैक तो हमारा ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, बाकी भी धीरे धीरे कर ही लेंगे ठीक है। हरिपंत सिंह भी आ चुके हैं पास के बढ़ते हुए, कुछ 1 घंटा 37 मिनट बाद। इंद्रपाल सिंह भी आ चुके हैं कुछ 5 से 7 मिनट बाद, तो इंद्रपाल सिंह आ गए और हम 5 के 5 अब पास पे पहुंच गए। तो इस तरीके से हम सब ने पास क्रॉस किया, थैंक यू सो मच। यो सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस जिंदगी में कुछ एक नई अचीवमेंट हासिल करने के लिए। सिग लाइन की तरफ स्लो एंड स्टडी, बस नीचे जाने लगे। हाई एल्टीट्यूड में गोप्रो की बैटरी भी काफ़ी ख़त्म हो गई है, तो अभी ये देख लो वहाँ तक नीचे जाएंगे फिर आगे चलेंगे। अब हमें ये उतरना है, खाई देख रहे हो सामने, तो ये वाली खाई उतरनी है। अब पहले भी खाई उतर गया, अब ये भी। स्टिक टूट गई, दोस्तों मैं ये करना ही चाहता था लेकिन ये खुद ही हो गया, पेंट पुंट सारी होगी गिल्ली। ओए
आए रे, आई कांट फील माय एस। ओ शिट, ओ डर रहे हम थोड़े से। लता खोल, बिचू खेल लता सीधे कर, लता खोलो, लता जूते पर नाव चलाओ, नाव क्या भाई जबरदस्त। उधर से, उधर से, उधर से। इसका गिरा था दो बार भाई, मिल गया। क्या मेरा फोन गिरा, पैर लगा, पैर ऊपर, ये खेड़ी है। उठना भी, उठना, उठना। ओए जो तेरे फुल स्पीड आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, यहाँ पे आने दे, ब्रेक लगा, गाड़ी गाड़ी नहीं। ओ बड़ी दूर, बड़ी दूर, ऊपर सबसे ऊपर दो स्लांट, नीचे वहाँ पे बाबा पास है, इन बाबा पास, और यहाँ से कुछ स्लाइड हुआ और कुछ ऐसी रुड़क रुड़क के आ रहे हैं हम, तो यहाँ पे पहुँच गए अभी। ये यहाँ पे पानी का है सोर्स। कुछ 2 बज गए, हम चले थे सुबह 6 बजे, 6 घंटे तो हो गए। कितनी हाइट है, हाइट 1400 हाइट है, तो थोड़ा सा और नीचे जाना है। पास से कुछ नीचे उतर के माँ घरूसे की तरफ जाते हुए, रास्ते में भूख लग रही है तो मैगी बनाओ, खुन के खा रहे हैं। लस्ट बात हुई यार, हैप्पी बात हो, हाथ फट गया, चम्मच फड़ा दो ना मैं। बैठे सभी, कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, मैगी बना रहे हैं अभी ना, सॉरी अपना डिनर वगैरह बना रहे हैं। चम्मच नहीं मिल रहा तो ऐसे ही खाऊंगा। चल रहे हैं नेक्स्ट स्टे की तरफ, जहाँ पे रात को रुकना है। काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र है ये, और ये दिन भी बहुत ज़्यादा लंबा है। सुबह 4 बजे के उठे हुए, 6:15 ट्रैक स्टार्ट किया, फिर अभी चल ही रहे हैं। पास क्रॉस 12, फिर 2:30 बजे का लंच, अब चल रहे हैं आगे। बड़ा मुश्किल उतरना यहाँ से, इतने घोड़े रुके रहो एक जगह। पता नहीं कितने ग्लेशियर, कितने ही ज़्यादा क्रॉस कर लिए, मगर उसे आने का नाम ही लेता, वो ज़्यादा ही दूर है, तो थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई। फाइनली 800 मीटर रह गया अकॉर्डिंग टू गैजेट्स। बाकी देखो कितना, अभी दिखाता हूँ एक व्यू मैं आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कई सालों से मेरे दिमाग में बसा हुआ, कुछ इस कैमरे से नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइड लेंस होता है। ये देखो, ओहो सामने देखो, वो सामने यहाँ पहाड़ी ख़त्म हो रही है, वहाँ पे ये है शायद पिन बेस कैंप है।
हाँ बाकी देखता हूँ, वहाँ जाके बताता हूँ। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मुशद्दत के बाद आई थिंक ये पार्वती वैली से जो पाइन वैली दिखती है वो है, वो पार्वती वाली बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये भी पाइन है, स्पीति वैली, पाइन रिवर और कुछ पुरानी यादों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, मतलब कुछ पता नहीं लग रहा है कहाँ से आए थे कहाँ से नहीं। हाँ लेकिन ये राइट साइड से याद आ गया कुछ भी, हम लेफ्ट साइड से गए थे तो राइट से जो पहाड़ियाँ थी वो सामने पिंक पिंक वो नज़र आ रही हैं। तो सो फार चल रहा है बस, कुछ थोड़ा सा दूर ही रह गया बेस कैंप जैसे कि मिस्टर कपूर ने अपने गैजेट में देख के बताया। जो पत्थर पत्थर वाला इलाका है उससे बहुत दूर आके पानी नहीं है बीच में कोई भी, वरना पानी पहले ही भर रहा हो जहाँ से भरना है। बहुत दूर आगे मंगरूसे से भी बहुत दूर आके एक राइट साइड में बकरियों वाले हैं कुछ, तो वहाँ पे वाटर सोर्स है उससे पहले कहीं नहीं है और वहीं पे कैंपिंग करेंगे। ये देखो सामने, अगर आपको येलो येलो कुछ दिख रहा है देखो सामने, बहुत परेशानियों से आज का दिन बहुत परेशानी वाला था, और भी बताऊंगा बाद में। अभी कैंप साइड मिल गई है तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, अभी तो गला सूखा पड़ा बुरे हाल से। ऊपर से मैं जो है बताने वाला हूँ भी आज का दिन कितना लंबा गया। तो आज का हमारा दिन था जी पूरे 12 घंटे, 6 बजे शुरू किया था, ऑलमोस्ट 6:05 हो गए हैं महाराज, 12 घंटे लगातार ट्रैक किया, और भी इन्नी हाइट ते तो इन्हें ग्लेशियर टप गए। मुबारक हो तुहानू बहुत। तो अभी बन रहे राइस और हम पहुंच गए हैं मुशरंग। कहाँ पहुंच गए? मंगरूस से आगे काफ़ी, तो काफ़ी आगे उससे भी। और अभी यहाँ पे ठंड बड़ी है तो टेंट के अंदर ही राइस बना रहे हैं, दूसरे चूल्हे पे सूप बनाएंगे, राइस और सूप है आज का डिनर। इमला गोला खा लो, इमला गोला, और वो इमला गोला बांट रहे सबको, दिखाना पैकेट कैसे। मैं भी खा देता हूँ, इसमें क्या और भाई कैसा सूप है? अरुणा ने बनाया आज नोर का चिल्ली सूप और चावल, बहुत ही चटाकेदार मस्त सूप है, लंबा है सूप छोटा है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, मुझे खा रहे हैं बढ़िया। तो जी अभी मैं ना भूल गया था इसको रिकॉर्ड करना, तो मैं ऐसे नाइट में ही कर रहा हूँ टेंट के अंदर से ही। तो आज का जो हमारा दिन था शुरुआत से ही काफ़ी कठिन था, पहले हमने चढ़ाई चढ़ी लेकिन वो बहुत ही मुश्किल था, उसको काफ़ी टाइम लग गया हमें चढ़ते हुए। तो फिर एक पड़ाव चढ़े, फिर सामने दूसरा पड़ाव, फिर तीसरा पड़ाव, ऐसे ही कर कर के आई थिंक थर्ड फोर्थ पड़ाव पे पास आया। तो पास तक तो हमने चलो कर लिया, लेकिन जब उतरने लगे तो अरुण भाई ने बहुत ज़्यादा मस्तियाँ की, ये देख उनको ने स्लाइडें मारी कभी कुछ, लेकिन मतलब जैसे हम नीचे उतर रहे थे तो बहुत ही मज़े वाली बात थी, लेकिन ग्लेशियर बहुत ज़्यादा थे और ये जो नीचे वाली ढलान है ये बहुत ही लंबी थी। तो मतलब जो मैंने आज तक ट्रैक किए हैं उनमें से ये सबसे हैक्टिक वाला डे था। इस ट्रैक को हमें करने के लिए कम से कम भी 12 घंटे लग गए मिस्टर कपूर, 12 घंटे लग गए। तो ठीक है अभी ये वैसे मैं ब्लैक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाज़ सुन लो पता लग जाएगा ट्रैक के बारे में, बाकी कल भी बातें करूँगा इसके बारे में। ओके बाय, गुड नाइट। मंगरूस पहुँच गए हैं उसके 3 किलोमीटर आगे और अभी जा रहे हैं गुड नाइट सोने।